इंदौर में पिछले दिनों विजयनगर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन मामले में शिवपुरी की एक बड़ी गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई सीनियर सिटीजन को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपए ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, जहाँ गिरोह के मोबाइल फोन में 4G सिम उपलब्ध कराने वाले निखिल नामक युवक का पता लगा। पुलिस ने दबिश देकर निखिल और उसके अन्य दो साथियों को धर दबोचा है, जो बड़ी मात्रा में फर्जी सिम उपलब्ध कराने का काम करते थे। दरअसल विजयनगर थाना पुलिस ने सीनियर सिटीजन को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फर्जी फेसबुक युवतियों की आईडी बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार किया था, जहां आरोपियों ने कई सीनियर सिटीजन के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया और लाखों रुपए ऐंठ लिए। गिरोह से पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि निखिल गुप्ता और कुछ अन्य लोग मिलकर इस गिरोह को बैंक अकाउंट और फर्जी सिम उपलब्ध कराते हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने शिवपुरी से निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह 40 से 50 साल के ऐसे लोगों को झांसे में लेते थे जो शराब के आदी हो और गरीब मजदूर तत्वों के हो, और उनके आधार कार्ड के माध्यम से सिम एक्टिवेट कर आते थे और फिर गिरोह को अकाउंट नंबर और टीम को भेज दिया करते थे। फिलहाल पुलिस को गिरोह के अन्य और भी सदस्यों के बारे में जानकारी लेनी है, जिसको लेकर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। शिवपुरी का यह भी ग्रुप काफ़ी लंबे समय से अलवर में सक्रिय था और स्टूडेंट के रूप में किराए का कमरा लेकर ब्लैकमेलिंग का काम किया करता था। पकड़ाया था उसमें किस तरह से वो कामयाबी मिली हो, यह घटना को अंजाम कैसे दे रहे थे। बिल्डिंगों की वेरिफिकेशन के की कार्रवाई के दौरान एक फ्लैट में छापा मारने पर चार युवक पकड़ाए थे, जिसमें खुलासा हुआ था सेक्सटॉर्शन गैंग का कि ये लोग फर्जी सिम तैयार कर, फर्जी खाते तैयार कर, लड़कियों की फर्जी आईडी बनाकर सेक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों का असली वीडियो बना लेते हैं और फिर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। इस जानकारी के आधार पर उन आरोपियों का पीआर लिया गया था। पीआर में इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ पर पता चला कि इन लोगों को कुछ लोगों द्वारा ये काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही सिम भी उपलब्ध कराई जाती है और इस पूरे जो संगठित काम है इसमें कई प्रकार से सहायता की जाती है। तो उनमें दो लोगों के नाम आए थे, एक सेतु पिता मनोज और दूसरा निखिल पिता राम प्रकाश। इनकी तलाश की गई शिवपुरी में, ये शिवपुरी में मिले, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया किस प्रकार से ये ट्रेनिंग देते थे और सिम इनको उपलब्ध करवाते थे। इसी जो इनसे जब्त हुआ उनके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश कर इनका पुलिस रिमांड लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। क्या क्या जब्त किया गया? इनसे कुछ सिमें जब्त की गई हैं और इनका मोबाइल अभी जब्त किया जाना है, लैपटॉप जब्त किया जाना है और भी सिमें, और इनको भी जो ट्रेनिंग और जो इनको डाटा उपलब्ध करवाते हैं उनकी अरेस्टिंग की जाना है। इतना बड़ी मात्रा में इतनी सिम लेके आ जाना है, कंपनी इसका वेरिफिकेशन दे रही है। अब वो पूरा एक संगठित ग्रोह है जो सिम लेता था, तो ज़्यादातर ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो नशा करते के आदि हों या गरीब लोग हों, उनको नशा उपलब्ध कराया और गरीबों को पैसा दिया और उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह प्राप्त कर लेते थे, उसके आधार पर ये फर्जी सिमें लेते थे, साथ ही खाते भी खुलवाते थे। कहाँ कहाँ के बैंक खाते इसमें शिवपुरी और आसपास के खाते मिले हैं और अभी बहुत से ATM कार्ड वगैरह मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। तो बैंक में डिटेल पिछली बार भी निकालना थी आरोपियों की, आपने बैंक खातों को निकाला है, कितना रुपया क्या निकाला? अभी तो टीम शिवपुरी से लौटी है और अभी जो धरपकड़ है, अभी बैंक खातों के संबंध में भी अभी जो एक टीम काम कर रही है, पूरी जानकारी मिलने पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। सर इसके अलावा और भी नाम सामने आया के द्वारा? हाँ, पूरा संगठित ग्रोह है, इस पर काम किया जा रहा है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने अब तक इसमें गिरफ्तारी आज तक हो चुकी है और कितने लोग फरार? इसमें अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी जो विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। खैर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से हार्दिक प्रजापत की।